हमारे साथ मौजूद हैं वार्ड नंबर 3 से प्रत्याशी मुकेश सिसोदिया जी। सिसोदिया जी, आपका चुनाव प्रचार कैसा चल रहा है, क्या मुद्दे हैं, लोगों का समर्थन आपको किस तरह मिल रहा है? वर्तमान में मैं समाजवादी पार्टी के और राष्ट्रीय लोकदल पार्टी का समर्थित प्रत्याशी हूँ। और जैसा कि आपको पता है कि समाजवादी पार्टी का जो मुख्य मुद्दा है सामाजिक भाईचारे का, समरसता का, सांप्रदायिक सौहार्द का। इस समय वर्तमान में जो परिस्थितियां चल रही हैं हमारे ज़िले में, सांप्रदायिक सौहार्द भारतीय जनता पार्टी की नीतियों के कारण ख़त्म हो चुका है। और मैं उसी संदेश के साथ, आपसी भाईचारे और प्रेम के संदेश के साथ, और ये कमिश्नरेट सिस्टम लागू होने के उपरांत जो पुलिस में व्याप्त भ्रष्टाचार है इसके खिलाफ, वह जो भ्रष्टाचार जो वर्तमान में चल रहा है हर स्तर पे, और किसानों के साथ होने वाली अनीति जो कि इस समय वर्तमान पंचायत चुनावों में मुख्य मुद्दा है, किसानों को मिलने वाली MSP और अन्य मुद्दे जैसे बिजली के बढ़ते हुए बिल और DAP यूरिया इनके बढ़ते हुए रेट, और दुकान पर है पेट्रोल व डीजल इनके बढ़ते हुए रेटों को लेकर हम जनता के सामने हैं। और लोगों का अपार जन समर्थन हमें मिल रहा है, क्योंकि हमारा जो मुख्य ध्येय है समाज के सभी लोगों को जोड़ के चलना है। और जनता आप समझ चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी केवल बंटवारे की राजनीति कर रही है, और समाजवादी पार्टी व राष्ट्रीय लोकदल समाज को जोड़कर एक साथ चलकर विकास के राह पर चलाना चाह रहे हैं।